हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे क्रीपीएस्ट और डेडली कैरेक्टर, और आज हमने हिम्मत की है उस हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में आने का जिस वर्ल्ड पर हीरो ब्राइन का राज चलता है। तो क्या इस डेडली वर्ल्ड में हम 100 डे सर्वाइव कर पाएंगे? मैंने इस गेम को हार्डकोर में लॉन्च करने की कोशिश की, इसकी डिफिकल्टी तो हार्ड पे सेट हो गई बट वर्ल्ड नहीं, क्योंकि शायद हीरो ब्राइन अपने वर्ल्ड में आने वालों को बार बार तड़पा तड़पा के मारता है। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे तो हम एक दिन भी यहाँ सरवाइव करेंगे, ये जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। तो चलो ज्यादा कुछ बिना सोचे शुरू करते हैं। वाओ, एक तो मुझे ऐसे ही कम डर लग रहा था कि ये क्या लिखा है, हीरो ब्राइन हैज जॉइंड द वर्ल्ड। फिर मैं जब वर्ल्ड को देख रहा था तो मुझे इनके स्ट्रक्चर बड़े अजीब से लग रहे थे, पता नहीं मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा था या सच में अजीब थे। अब मैं आगे का प्लान करता कि क्या करना है, उसके पहले ही हम लोग विलेज पे स्पॉन हुए हैं। यार कितना सही चीज है। वैसे भी हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में रात में घूमना ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट रिसोर्सेज के लिए मुझे रात में आत्मा की तरह भटकना तो नहीं पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं टूल्स बनाने से। बूट्स तोड़ने के लिए कहो भी मुझे हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में रोक रही है, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। वुड्स को मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, फिर क्राफ्टिंग टेबल में, फिर मैंने हीरो ब्राइन वर्ल्ड की पहली पिकेक्स और स्वॉर्ड बना ली। हमारी पहली अचीवमेंट है हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में। अभी तक मुझे हीरो ब्राइन के पास होने का एहसास तो नहीं हुआ, शायद वो रात में ही आएगा, पता नहीं, मेरा पहले कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ है। यार यहाँ पे कितनी क्यूट कैट्स है, मुझे बाकी सभी एनिमल्स को टेम करने हैं, तो फटाफट से हमें काम करना है। लेकिन पहले तो मैं एक ईमानदार इंसान की तरह इस सारे के सारे विलेज को लूटूंगा। इनमें मुझे अपना घर भी डिसाइड करना है, और ये घर मुझे सबसे बड़ा लग रहा है तो मैं ये अपने लिए रखूंगा। बट पहले ये लीव्स हटा दूं, और लीव्स हटा के घर के अंदर वाले चेस्ट में मुझे 5 एमरल्ड्स मिल गए। हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में अपनी स्टार्टिंग एमरल्ड से हुई है, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज होती है। ये देखो अपना विलेजर भी एग्री कर रहा है इस चीज से। तो घर को अपने नाम देने के लिए मैंने बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और क्राफ्टिंग टेबल रख दिया, और जैसे ही मैंने क्राफ्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, ओह माय गॉड, हीरो ब्राइन का इफेक्ट मुझे पहली बार दिखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि अभी दिन है तो शायद वो नहीं आएगा, और वहाँ एक और चेस्ट लगाई, सामान डाला और बाकी चीजें लेने गया। मुझे हॉर्स दिखा जिसे मैंने एप्पल खिला के टीम तो कर लिया, बट मेरे पास रेयरेस्ट चीज सैडल भी नहीं है, होता तो जर्नी कितना इजी हो जाता। खैर, फिर मैं बाकी घर देख रहा था, मैं आगे गया और फिर मैं जैसे ही पीछे आया तो मुझे दिखा हीरो ब्राइन। ओह माय गॉड, हीरो ब्राइन यहाँ आ गया। शाम होते हीरो ब्राइन अपने पास आ गया, मैं कितना डर गया था भाई, मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, मैंने बिल्कुल आवाज नहीं की। वैसे तो मैं समझ गया था कि शायद ये दिन में नहीं आएगा, सिर्फ रात को ही आएगा, और अभी तो रात ही हो रही है, तो मुझे फटाफट से दिन कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है। फिर मैं उस स्पॉट पे गया जहाँ रात को हीरो ब्राइन मुझे दिखा था। आई थिंक ये उसकी स्पेशल प्लेस है, देखो कितनी अलग टाइप की जगह है इस विलेज में। मैंने डिसाइड किया मैं इस स्पॉट से तो दूर ही रहेगा यार, और मुझे अपना कोई नया ठिकाना भी ढूंढना है, अपना नया घर बनाना है कोई सेफ जगह पे, इधर से दूर। और मुझे आयरन के टूल्स चाहिए, तो मैं ऐसे ही आगे जा रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा। पहले तो मुझे लगा कि इस वर्ल्ड के राजा का कहीं ये घर तो नहीं है भाई, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर मुझे थोड़ा पानी के अंदर दिखा और थोड़ा अजीब सा लगा, तो शायद ये नहीं है। थोड़ा बांस गया तो मैं समझ गया कि ये शिपरेक है भाई, वहाँ के चेस्ट को मैं ढूंढ रहा था, और जैसे मैंने चेस्ट को खोला, बड़ी ट्रेजर मैप भाई साहब सेकंड डे पे, और ट्रेजर भी कितना सामने है हमारे। अब वहाँ तक मुझे जाना है, और मुझे इसके लिए बोट चाहिए, और बोट बनाने के लिए मैंने यहाँ से वुड्स तोड़े, बोट तैयार, और फिर मैं क्रॉस पर पहुंच गया और डिग करके ट्रेजर चेस्ट की तलाश में नीचे डिग करता गया। ये डॉल्फिन कितनी क्यूट है यार, ये भी मेरी हेल्प कर रही है वो चेस्ट को ढूंढने में, देखो ना मुझे डायरेक्शन बता रही है यार। और काफी मशक्कत के बाद मुझे चेस्ट मिल ही गई। फिर आया वो ड्राउन जिसे मैंने 2-4 फटके दिए तो वो स्वर्ग जाते हुए मुझे मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट दे दिया, और ऐसे बिना स्टोन के पिकेक्स के मुझे इतने सारे आयरन मिल गए, और ये रेयरेस्ट आइटम हर्ट ऑफ द सी भी मिल गया, मजा। वैसे तो यहाँ एक और चेस्ट भी होनी चाहिए, और वो भी मुझे मिली, और उसके अंदर भी आयरन और लैपिस लाज़ुली था। अब मैं सोच
सोच रहा हूँ माइनक्राफ्ट पे रहम खा के स्टोन का पिकेक्स बना ही लेता हूँ, फिर माइनिंग भी तो करने जाना है। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और मॉब से पीछे से मुझ पे हमला किया, मर गया तो सामने से आना। उन्हें खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों माइनक्राफ्ट पे रहम करूँ, ये तो पीछे से मुझे मारने के लिए भेजते हैं। तो मैं सीधा आयरन की पिकेक्स बनाएगा और मैंने माइनिंग शुरू कर दी। और डे 3 पे मैं माइनिंग कर रहा था, अच्छी केव मिल गई थी तो बहुत सारे कोल्स मिल गए और काफी सारे मैं आयरन्स भी निकालता चला गया। अब मेरा प्लान ये था कि जल्दी से जल्दी आयरन आर्मर में कन्वर्ट होके सब चीज एटलीस्ट आयरन की तो बना लूं। यहाँ पर एक्चुअली कभी भी कुछ भी हो सकता है, हीरो ब्रायन अपना प्रेजेंस कभी भी दिखा सकता है, वो कभी भी सामने आ सकता है, कभी भी कोई भी चीज को तोड़ सकता है और पता नहीं कभी पीछे भी अचानक से मॉब छोड़ सकता है। इसलिए हमें पूरा रेडी रहना पड़ेगा। मेरा काम पहले यही है कि मुझे अपने आप को ओवर पावर्ड बनाना है, ओपी बनाना है। वैसे मैंने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया जहाँ पे हम लाइव गेम्स खेलेंगे, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, बीजीएमएम, वैलोरेंट, बहुत सारे गेम्स, बहुत मजा आएगा, एक साथ खेलेंगे। तो मैंने आयुष मोड लाइव चैनल बनाया है, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे ना तो हम वहाँ पर भी लाइव करेंगे, बहुत मजा आएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी के लिए तो मुझे काफी दिन बीत गए थे माइनिंग करने के बाद, मुझे काफी कोल्स मिल गए और काफी सारे आयरन और भाई एक्सपी भी बढ़ता जा रहा था, काफी मॉब्स के साथ हाथापाई हुई और भाई बहुत सारे आयरन्स भी मिल गए। तो अब टाइम है सस्ता आयरन मैन बनने का। फिर मैंने बाहर देखा तो भाई अभी भी रात थी और हीरो ब्रायन कभी भी मेरा कचूमर बना सकता था। तो मैं वापस अंदर आया माइनिंग करने के लिए, बट सामान एक चेस्ट बना के उसके अंदर डाल दिया। बड़ी ट्रेजर का सामान ऐसे ही थोड़ी ना बार बार मिलता है। और अंदर गया और सामान लेने। मरना तेरे को डर नहीं लगता? काफी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे क्या दिखा? स्लाइम ब्लॉक्स, लेकिन बहुत सारे। इसलिए मैंने इनसे पंगा नहीं लिया, बस कोऑर्डिनेट नोट किया और वापस आ गया। भाई अभी पंगा लेने लगा तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। और ऐसे ही जब मैं बाहर आया तो मेरे पास काफी माल पानी इकट्ठा हो गया था। अरे ये देखो मेरा माल, पानी नहीं है इसमें, लेकिन तुम लोग समझ गए। हालांकि मेरे माल में मुझे ना ही नीलम मिली और ना ही सोना डायमंड और गोल्ड तो उसके लिए मुझे अभी माइनिंग करनी है। पर मैं उस केव में माइनिंग नहीं कर सकता था, मुझे अच्छी माइनिंग स्पॉट बनानी होगी ताकि जब भी मुझे मेरे नीलम की याद आए तो मैं उस जगह चले जाऊं। मैंने सारे आयरन को खाना खजाना में डाला और फिर मैं जगह ढूंढने लग गया। ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लग रही है यार, यहाँ पे काफी अच्छा खासा केव है, यहीं पे अपना माइनिंग एरिया होगा, मजा आ जाएगा। और इस स्पॉट पे मैं अंदर डिग कर रहा था तो ओह माय गॉड माइन शाफ्ट, एक और रेरेस्ट थिंग। मैंने सोची भी नहीं थी ऐसा हो सकता है, अब तो यहाँ के चेस्ट को अपने लपेटे में लेना ही होगा। लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाते इतना सारा स्पाइडरमैन का जाला दिखा तो मैं समझ गया यहाँ पे स्पाइडर स्पॉनर है। तो मैं एक बार वापस ऊपर आया ताकि सामान रख दूं। हालांकि मैंने थोड़ी सी फार्मिंग करके फार्मिंग की अचीवमेंट भी ले ली और हीरो ब्रायन का इफेक्ट मुझे दोबारा से दिखा। ये गेट अपने आप टूट गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये गेट कैसे अपने आप टूट गया। भाई साहब ये सब क्या है, और ये गेट आधा टूटा हुआ ही रहा। माय गॉड, और हीरो ब्रायन बाहर में ही था। मैंने बोला भाई बहुत रिस्की है लेकिन ठीक है, अब हमें माइनिंग करने तो जाना ही है। मैंने उस गेट को दोबारा तोड़ा और फिर वापस लगा दिया, मुझे ऐसा नहीं देखना है, अजीब सा वर्ल्ड। और फिर जब मैं चेस्ट खोल के उसमें सामान डाल रहा था तो मेरे चेस्ट की भी मुंडी उल्टी पुल्टी हो गई। ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में, मेरा चेस्ट देखो तुम लोग। ये एक लार्ज चेस्ट थी जो की आधी आधी हो गई अपने आप, और फिर क्या देखो ये अजीब सा दिख रहा है। माय गॉड, फिर मैंने अपने आप को संभाला और मुझे माइनिंग के अंदर भी तो वापस जाना है और स्पॉनर को बंद करना था टॉर्च से, इसलिए मैं वापस अंदर गया, स्पाइडर से युद्ध की। और तुम्हारे भाई ने स्पॉनर को बंद कर दिया, लेकिन इस चेहरे को शांति कहाँ है? जब तक माइनशाफ्ट का चेस्ट मिल जाए इसे सुकून मिलेगा क्या? लालची कहीं का। और काफी भटकने और मेहनत के बाद ये पहला चेस्ट मुझे दिख ही गया। ओह माय गॉड, डायमंड, बिना माइनिंग किए हमें डायमंड मिल गया। हम 11th लेवल पे अभी तक गए भी नहीं और हमें डायमंड का एडवांसमेंट मिल गया, कितना सरप्राइजेस देगा ये वर्ल्ड मुझे। फिर मैं दूसरा चेस्ट ढूंढने में लग गया। माइनशाफ्ट काफी खतरनाक
जगह है यार। और सेकंड चेस्ट भी मुझे दिखा जिसमें मुझे नेम टैग मिल गया। फिर से हमें एक और रेयर आइटम मिल गया, नेम टैग। ओह माय गॉड यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतनी रेयर रेयर आइटम्स हमें कैसे मिल रही है। और मैं ये सारा सामान लेके फिर वहाँ की रेल भी लेने लग गया, क्योंकि ये भी बहुत काम आ जाएंगी आयरन फार्म बनाने में या फिर विलेजर्स को इधर उधर ट्रैवल करने में। अभी एक और चेस्ट होना चाहिए, मेरे ख्याल से माइनक्राफ्ट में 3 चेस्ट होती है, बट वो मुझे मिला नहीं। तो मैं बाहर आकर सामान रख दिया और अब मैं लग गया उस माइनिंग एरिया के आउटर को डेकोरेट करने में, क्योंकि यार ऐसा लगना तो चाहिए ना कि ये महाराजाओं का माइनिंग एरिया है। इस काम में बहुत टाइम लग गया और फाइनली वो रेडी हो गया। अब हमें स्पॉनर तो मिल ही गया था, अब हमें वहाँ एक्सपी फार्म बनाना है जो कि बहुत एफिशिएंट होगा। बट ये वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने तुम्हें इतना डिटेल में बताया यार। अपने साथ कितनी अजीब अजीब चीजें हुई, हमें कितना रेयरेस्ट आइटम मिला। ये हीरो ब्रांड का वर्ल्ड बहुत ही यूनिक है, इसलिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तुम्हें पता है मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो मिले। तो तुम लोगों को अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को। और अगर यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया तो नीचे माइनक्राफ्ट हीरो ब्रांड कमेंट कर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। वीडियो को शेयर कर दो, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। वीडियो बिल्कुल रेडी है, नेक्स्ट पार्ट आती तुम्हें स्क्रीन पर यहाँ दिख जाएगी या फिर कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।